वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2024 का, और ये ऑनलाइन क्लास 16 है। इससे पहले भी जो है 15 क्लास जो आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है उसका वीडियो जो है आपको अपलोड किया जा चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन है लगातार आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर, हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। राइट आंसर क्या होगा कॉमेंट कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइफाइड वैक्सीन, तो 3 टाइप्स, 3 प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, खसरे की उष्मायन अवधि क्या है। ठीक है, यह 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, खसरे की उष्मायन अवधि क्या है। ए ऑप्शन है 3 डेज, बी ऑप्शन है 10 डेज, सी ऑप्शन है 21 डेज और डी ऑप्शन 30 डेज। राइट आंसर क्या वो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, खसरे की उष्मायन अवधि क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 10 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या है। ऑप्शन ए पेन एंड लूज मोशन, दर्द और लूज मोशन। बी ऑप्शन है फूड पॉइजनिंग, विषाक्त भोजन। सी ऑप्शन है ब्लड वोमिटिंग, खून की उल्टी और डी ऑप्शन है पेन यूरिनेटिंग एंड ब्लड यूरिनेटिंग, पेशाब करने में दर्द और पेशाब में खून। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन है पेन एंड लूज मोशन, दर्द और लूज मोशन। बी ऑप्शन है फूड पॉइजनिंग, विषाक्त भोजन। सी ऑप्शन है ब्लड क्लॉट वोमिटिंग, खून की उल्टी और डी ऑप्शन है पेन यूरिनेटिंग एंड ब्लड यूरिनेटिंग, मतलब पेशाब करने में दर्द और पेशाब में खून। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या है, पेन यूरिनेटिंग एंड ब्लड यूरिनेटिंग, पेशाब करने में दर्द और पेशाब में खून। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू फिशल वॉर्म, मतलब किस प्रकार का हेपेटाइटिस मल जनित बीमारी से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस सी और ऑप्शन नंबर डी हो गया हेपेटाइटिस डी। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड्स थ्रू फिशल बॉर्न, किस प्रकार का हेपेटाइटिस मल जनित बीमारी से फैलता है। ए ऑप्शन हेपेटाइटिस है, बी ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, सी ऑप्शन हेपेटाइटिस सी और डी ऑप्शन हेपेटाइटिस डी। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द पाइप यूज टू ड्रेन द वेस्ट वाटर, अपशिष्ट जल की निकासी के लिए प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है या क्या होता है। ए ऑप्शन है 50 मिलीमीटर, 50 mm बोल सकते हैं। बी ऑप्शन है 75 मिलीमीटर, mm बोल सकते हैं 75 mm। सी ऑप्शन है 100 मिलीमीटर और डी ऑप्शन है 125 मिलीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द पाइप यूज टू ड्रेन द वेस्ट वाटर, अपशिष्ट जल की निकासी के लिए प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। ए ऑप्शन है
50 मिलीमीटर, बी ऑप्शन है 75 मिलीमीटर, सी ऑप्शन है 100 मिलीमीटर और डी ऑप्शन है 125 मिलीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 75 मिलीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इससे पहले भी आपको 15 क्लास जो है आपको अपलोड किया गया है, तो आप कम्युनिटी टैब को विजिट करेंगे या प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हेल्थ सैनिटरी एंड मलेरिया इंस्पेक्टर करके आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सा वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखें, नोट करें। ये न्यू वाला जो है और पुराना वाला 2019 वाला सब एग्ज़ाम का सारा सिलेबस जो सेम ही है। तो 2019 का जो वीडियो अपलोड किया गया है उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिलेबस को कवर किया गया है। और आप जो है 2024 का भी लगातार आप वीडियो अपलोड हो रहा है उसको देखते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लड क्लोटिंग विटामिन, रक्त का थक्का बनाने वाले विटामिन का क्या नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए विटामिन ए, क्वेश्चन नंबर बी विटामिन बी, क्वेश्चन नंबर सी विटामिन सी और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ ऑप्शन बोला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के, ठीक है। मैं क्वेश्चन को ठीक से और फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड क्लोटिंग विटामिन, रक्त का थक्का बनाने वाले विटामिन का क्या नाम है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन के। तो राइट आंसर क्या हो कमेंट कीजिए सभी लोग। लगातार जो है वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है और जो भी आपका फीडबैक है जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको वीडियो जो है हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड क्लोटिंग विटामिन, रक्त थक्का बनाने वाले विटामिन का क्या नाम है, ठीक है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन के, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन के। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड क्लोटिंग विटामिन, रक्त थक्का बनाने वाले विटामिन का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो इस तरह से आपको जो है आज का सेशन जो है समाप्त होता है और आपसे फीडबैक का उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी है आप फीडबैक दीजिए किस तरह से आपको क्वेश्चन लग रहा है और किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप जो है लगातार वीडियो को देखते रहें और पहले भी जो प्लेलिस्ट का पर आपको वीडियो मिल जाएगा पहले वाला उसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा और देखते रहिएगा ताकि आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छे से हो और एग्ज़ाम जो है आपको जनवरी में होगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही बिग अनाउंसमेंट है जो पहले ही कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।